बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंटिंग करियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है नाज़रीन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, पंजाब पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है, तो आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है जो पंजाब पुलिस .gov.pk, तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है वो लगा हुआ है, SSA सीनियर स्टेशन असिस्टेंट एंड पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA, ये दोनों वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है। तो पंजाब पुलिस की तमाम अजला में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट मसावी स्केल नंबर 9 और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA मसावी स्केल 7 गवर्नमेंट के मुआवजा अलाउंसेस पर खाली सामी आरजी जिनको बाद अजा मुस्तकिल किया जाता है। ये फिलहाल आरजी हैं, लेकिन बाद में इनको जो है वो मुस्तकिल करने का जो है वो चांसेस हैं। अच्छा जी, वैकेंसीज ये हैं जो है वो SSA जो है उसके लिए 18 तक 25 साल उम्र होनी चाहिए, मर्द हजरात औरतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जो है और उम्र में रियायत दी जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार का मुतलका अजला डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस ICS था हम ICS के साथ आपकी BSc या BS डिग्री जो जिनकी होगी उनको तरजीह दी जाएगी, और 3 साल शोबे में आपके जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो PSA की वैकेंसी है, 18 से 25 साल इसमें भी उम्र है, मर्द हजरात जो है औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, ख्वाजा सरा भी इसमें भी जो है वो पंजाब की पुलिस के मुताबिक आपको रायत दी जाएगी उम्र में। उम्मीदवार का मुतलका अजला का सुकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, इसमें भी जो है वो इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस ICS या मंजूरशुदा से कंप्यूटर सर्टिफिकेट MS ऑफिस ताहम BSc जिन्होंने की होगी उनको तरजीह दी जाएगी, और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उर्दू में आपकी 25 मिनट पर वर्ड मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार हैं वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और नज़दीकी जो उनका है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है उसमें जमा करा सकते हैं फॉर्म। इंट्री फीस जो है इसकी 2000 रखी गई है, आखिरी तारीख 24 तारीख है इसकी, मुकर्रर तारीख के बाद जो वैकेंसी जो दरख्वास्त आएगी उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। अच्छा, जांच पड़ताल के बाद लिस्टें लगेंगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में, और वेबसाइट में भी जो है वो बता दिया जाएगा कि कौन जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। और अच्छा, भर्ती शेड्यूल और टेस्ट सेंटर के मुताबिक तमाम मालूमात जो है वो आप वेबसाइट से या फिर आप नज़दीकी पुलिस लाइन से भी ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मरी, तलागांव, कोटद्दू, वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार अपने सबका अजला रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फरगढ़ और गुजरावाला की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से ही दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन महकमा NOC भी जो है वो लफ करेंगे। उम्मीदवार का तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा, पास होने वाले उम्मीदवार जो है वो अगले मरले में स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, जिनमें से पास होने वाले उम्मीदवार को 3.1 के तनासब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के मकाम के बारे में मुतलका पुलिस लाइन पर नोट अवेजा कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो SSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक वेबसाइट इन्होंने बताई है, वहाँ पर जाके अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करें, और इंग्लिश में भी जो है वो आपकी और उर्दू की भी टाइपिंग की स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है वो क्वालिफाई कर सकेंगे। उम्मीदवार जो है वो बयान अल्फी स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि वो किसी किस्म की FIR या किसी मुकदमे में मुलविस नहीं है। जमा करवाने की सूरत में उम्मीदवार को पुलिस में अगर नहीं जमा कराएगा तो उसको जो है वो पुलिस भर्ती से नाइल करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर किसी मरले में उम्मीदवार की तालीमी इसनाद, डोमिसाइल, कमिश्नरी कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान ये कागजात जेली या गैर तस्दीक शुदा पाए गए तो उम्मीदवार की भर्ती मनसूख कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार को भर्ती के मुख्तलिफ मराइल के लिए की जाने वाली किसी किस्म के अखराजात नहीं दिए जाएंगे जी। जो है वो सुबाई में जा अस्पताल से आपको मौना कराना पड़ेगा, नाकामी की सूरत में विभाग को नायल करा दिया जाएगा। महकमे को इख्तियार है कि वह इश्तहार को जुजी तौर पर तब्दील या मसूख करेगा। जिस महकमे को यह भी इख्तियार होगा वो किसी भी उम्मीदवार को बगैर वजह बताए मुस्तरद कर सकता है। अच्छा जी, ये इश्तहार
बाद अज़ा मंजूरी सूबाई काबीना पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाया किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, किन अजला के लिए वैकेंसीज हैं? ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट जो है SSA अटक की एक वैकेंसी है ओपन मेरिट पे, और बस अटक की एक वैकेंसी है। बावल नगर की दो हैं, बावलपुर की पांच हैं, बक्कर की एक है, चकवाल की एक है, चन्योट की दो है, डीजी खान की चार हैं, और एक वैकेंसी इसकी खवातीन कोटा की है। फैसलाबाद की नौ वैकेंसी है, दो खवातीन कोटा और एक अकलीत कोटा की है। उसके बाद जो है गुजरांवाला पांच और खवातीन के लिए गुजरात जो है दो वैकेंसी है, अफजाबाद एक, जंग दो, जेलम दो, कसूर दो, खानपुर, खुशाब, लाहौर। लाहौर की 36 वैकेंसियाँ हैं, आठ जो हैं वो खवातीन के लिए हैं, दो अकलीत के लिए और एक माजूर कोटा में जो है वो मुख्तस की गई है। लोधरा हो गया, लिया, मंडी बाउद्दीन, मियाँ वाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ननकाना, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, रहीमयार खान, राजनपुर हो गया, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखपुरा, सियालकोट, टोबा टेक, सिंह, विहाड़ी। ये देख लें आप सारी चीज़ें, और इस तरह ही जो है वो पुलिस असिस्टेंट स्टेशन असिस्टेंट जो है PSA ओपन मेरिट पे 13 वैकेंसीज हैं अटक के लिए, और दो खवातीन की हैं और एक जो है वो अकलीत के लिए है। इस तरह आप देख लें, बावल नगर के लिए 20 हैं, बकर के लिए 12, चकवाल के लिए 13, चन्योट के लिए 9, डीजी खान के लिए 36, फैसलाबाद के लिए 46, गुजरांवाला के लिए 43, गुजरात के लिए 20 वैकेंसीज हो गई, लाहौर के लिए 189, मंडी बाउद्दीन के लिए 9 वैकेंसीज, मियांवाली के लिए 28 वैकेंसीज, मुल्तान के लिए 63, मुजफ्फरगढ़ के लिए 30 वैकेंसीज हो गई, रहीमयार खान के लिए 29, और बाकी ये सारे आप पढ़ सकते हैं। टोटल 940 वैकेंसीज हैं, 112 जो हैं वो टोटल 19 खवातीन के लिए जो है, पांच वैकेंसी अकलीत कोटा के लिए और दो जो है वो माजूर के लिए। 940 PSA की वैकेंसीज हैं, 187 हैं खवातीन की, 65 जो है वो अकलीत कोटा जो है उनके लिए है, और 34 माजूर के लिए है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन है, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नवी वीडियो के साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें जो है आपने अप्लाई किस तरह करना है, फॉर्म किस तरह फिल करना है, फॉर्म किधर से मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।